हेलो दोस्तों, मैं अजय, आप देख रहे हैं क्लासरूम टेक्नोलॉजी। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था किस तरह से आप RHEL 8 को डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में और किस तरह से आप रजिस्टर कर सकते हैं। बट दोस्तों, जिस दौरान मैंने उस वीडियो को बनाया था, उस दौरान डाउनलोड हो रहा था, फिलहाल कुछ दिनों से डाउनलोड नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसमें सब्सक्रिप्शन मांगा जा रहा है। तो काफ़ी लोगों का मेरे पास मैसेज आया था तो किस तरह से सर डाउनलोड करें, हम डाउनलोड नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों, आज मैं बताऊँगा किस तरह से आप बिना सब्सक्रिप्शन किए हुए आप डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही सिंपल वे से। तो इसके लिए दोस्तों, आपको रेड हैट पे रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है। तो आप उस वीडियो को देख के आप रजिस्टर हो लीजिएगा और उसका लिंक मैं अपने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ज़रूर दे दूंगा। आप उस वीडियो को देख के रजिस्टर हो लीजिएगा और इस वीडियो से आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए, डाउनलोड करने के लिए फर्स्ट अपने गूगल ब्राउज़र पर हम चलते हैं। गूगल ब्राउज़र पर आने के बाद हम लिखते हैं डाउनलोड, डाउनलोड लिखना है। डाउनलोड लिखने के बाद लिखना है आपको RHEL 8 ISO इमेज। बस आपको इतना सा टाइप करना है, डाउनलोड RHEL 8 IOS इमेज। डाउनलोड IOS इमेज टाइप करने के बाद आपको ये जो साइट देख रहे हैं, डेवलपर साइट, ये भी रेड हैट का साइट है। तो हमें इस साइट पे जाना है। दोस्तों, इस साइट पे आने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको नज़र में आएगा। तो आप देख सकते हैं नीचे लिखा है डाउनलोड RHEL। तो हमको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर से एक नया इंटरफेस आएगा आपके पास। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है। तो आप चाहे तो इसके लोअर वर्जन में डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना है। तो हम इस डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको अपना ईमेल आईडी देना है, जिस लॉगिन से आपने लॉगिन किया था, रजिस्टर्ड किया था। तो आपको रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है, वरना आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, हम लॉगिन करने के बाद देना आपको मैं दिखाता हूँ। दोस्तों, लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का आपके पास एक इंटरफेस आएगा। तो आप देख सकते हैं मेरा नाम यहाँ पर शो कर, अजय प्रजापति। देन आपको जो रेड हैट का एक रजिस्टर होता है, टर्म्स एंड कंडीशन वाला, तो आपको इसको चेक कर लेना है। चेक करने के बाद ये दोनों ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देन आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों, कुछ इस तरह का आपका प्रोसेसिंग दिखाएगा। देन आपको फिर से एक नया इंटरफेस पे लेके आएगा। दोस्तों, इस साइट पे आने के बाद फिर से एक नया लुक आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा थैंक फॉर योर डाउनलोडिंग, तो ऑटोमेटिकली ये आपका डाउनलोड होने लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं मेरा नीचे ये डाउनलोड हो रहा है। और यदि ऑटोमेटिकली यदि नहीं होता तो आप यहाँ से भी क्लिक करके सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको मैं दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे जो 8.5 GB का है वो मेरा डाउनलोड यहाँ पे हो रहा है। तो फिलहाल मुझे डाउनलोड नहीं करना है क्योंकि मेरे पास अभी उतना डेटा नहीं है, क्योंकि आज वाईफाई मेरा ऑफ है। तो आप इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने जो बताया था उसमें भी हो रहा था पहले, फिलहाल अब उस पर नहीं हो रहा है। तो आप इस साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, बट आपको रजिस्टर्ड होना है। तो आप उस वीडियो को देख के रजिस्टर हो लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आप लोग को वीडियो समझ में आई है आज की। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही दोस्तों। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में एक नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। We'll be right back.